सो हेलो व्हाट्सएप कैसे हैं आप सब जी मित्रों सो दिस इज द वीडियो अगर आप वेट कर रहे हो अपने सीए फाइनल ऑडिट की शुरुआत करने के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम दिस इज द बेस्ट टाइम तभी आपने वीडियो खोली क्योंकि आपको जानना है ऑडिट बैचेस के बारे में सर ये वो वीडियो है जहां पे मैं आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं अबाउट अवर बैचेस चाहे वो रेगुलर हो चाहे फास्ट ट्रैक हो चाहे इंग्लिश एग्जाम ओरिएंटेड बैच हो एवरीथिंग आई विल बी क्लैरिफाइंग फॉर ऑल ऑफ यू स सर सो अभी आईसीआई ने पिछले दो अटैम्प्ट में एक बात तो दिखा दी है कि सर ऑडिट जो सब्जेक्ट है ऑडि जो सब्जेक्ट हैली खेलना बहुत जरूरी है स्ट्रेटेजिकली खेलने का मतलब है आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आने चाहिए कॉन्सेप्ट याद भी होने चाहिए ताकि आप एग्जाम में लिख सको तो पहले क्या चल रहा था डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे सिर्फ याद करने से काम चल जाता था अब समझना भी जरूरी है याद रखना भी जरूरी है और दोनों का जब मिश्रण होगा तभी आप एकदम बढ़िया वाले सुपरस्टार बन पाओगे तो ये जो बैचेस हैं यहां पे यू विल बी गेटिंग दैट एग्जैक्ट थिंग नॉट ओनली द कॉन्सेप्ट्स विल बी टॉट टू यू इन द क्लास अलोंग विद दैट द्लास अलॉन्ग विद्सो बी गिविंग यू द मेमरी टेक्निक्स द फ्लो चार्ट जिनके थ्रू आप इजिली कॉन्सेप्ट को रिटेन कर पाओगे पढ़ने में बड़ा मजा आएगा लेट मी टेल यू क्लास के साथ साथ ही आपकी प्यारी वाली ऑडिट की कॉमिक बुक रेडी हो जाएगी जिसको आपको रिवाइज करने में काफी मजा आने वाला है लेट मी टॉक अबाउट द बैचे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अगर आपके एग्जाम मे ट्वेंटी फाइव में है तो भाई साहब इससे ज्यादा देरी मत करो इससे ज्यादा देरी मत करो दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन रोल फॉर द बैचेस बट अगर आपके एग्जाम में नवंबर ट्वेंटी फाइव या उसके बाद ठीक है नवंबर ट्वेंटी फाइव या उसके बाद आपके एग्जाम है तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं जो मेरा कर्तव्य है दट अर हिंदी एंड इंग्लिश बोथ द न्यू लाइव बैचेस विल बी कमिंग इन द मंथ ऑफ मार्च सो इफ यू वॉन्ट टू गो हेट विद लेटेस्ट बैचेस तो वो मार्च में आने ही वाले हैं बट अगर अभी आपको लगता है नहीं सर मेरी एफ आर की क्लास हो चुकी है ए एफ एम की क्लास हो चुकी है मुझे ऑडिट के साथ स्टार्ट करने का मन है सो देन यू कैन बी गो हैड विद दिस बैचेस सर इन बैच की रिकॉर्डिंग कब हुई थी तो दीज आर अवर लेटेस्ट बैचेस जिनको हमने कंप्लीट किया था इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट 2024 तो हमारा बैच स्टार्ट हुआ था अप्रैल 24 में जो ऑगस्ट 24 में कंप्लीट हुआ और ये सारी की सारी चीजें अपडेटेड आपको मिलने वाली हैं गॉटेड सर तो सबसे पहले मैं डिफरेंस की बात कर लेता हूँ रेगुलर और फास्ट ट्रैक के बारे में इफ इफ यू आर अंग्लिश स्टूडेंट यू वॉन्ट ऑनली द इंग्लिश बैच सो दिस इज द ऑनली ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू इट इज द बेस्ट मिक्सचर ऑफ रेगुलर एंड फास्ट ट्रैक सो यू कैन गो अड विद दिस दिस इज परफेक्ट फॉर यू गॉटेड सर अब बात करते हैं हिंदी वाले बच्चों से इफ आई टॉक अब रेगुलर और फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएटेड ना मैं बताऊं ज्यादा दोनों में फर्क नहीं मिलेगा ज्यादा दोनों में फर्क नहीं मिलेगा कॉन्सेप्चुअल कवेज दोनों में मिलेगी क्योंकि ऐसा हमने अक्सर देखा है हमारे दोनों ही तरह के बच्चों के एग्जामिशन भी, भी आती है रैंक्स भी आती हैं तो आप ऐसा मत सोचना सर अगर मैं फास्ट ट्रैक लूंगा तो क्या मेरी रैंक नहीं आ पाएगी आप आएगी आप आएगी बस आपने क्लास में एक अच्छे अटेंशन के साथ बैठना है और पूरी डेडिकेशन के साथ बैठना है आप जो इस बैच में फीस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना उसको आपने पूरा वसूल के उठना है आफ्टर द क्लास तो मजा आएगा दोस्त ठीक है सर

आर स्टूडेंट गॉट एटी मार्क्स ऑल इंडिया हाइएस्ट मैं बताऊँ ना उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है प्रोसेस को ये जो रिजल्ट होता है ना दिस इज जस्ट अ मिरर ऑफ द प्रोसेस प्रोसेस बड़ा सिंपल है कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़ो मेमोरी टेक्निक्स और फ्लो चार्ट के थ्रू उनको याद रखो मैं बता रहा हूं आईसीए खुद आपको बोलेगा आप पास हो गए सी आगे बढ़ो सो so, पूरे प्रोसेस के हिसाब से चलेंगे मजा आएगा इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चन साइंटी टू नाइन क्वेश्चन के साथ साथ, साथ हो जाएंगे स्टडी मटरियल रखे ना एकदम मक्खन के साथ एकदम मक्खन की तरह क्लास में आपको सोल्व करा के देंगे सर क्या वो केस स्टडीज फास्ट ट्रैक में भी होंगी होंगी मैं भाई वो टीचर हूं जो टेलीग्राम पर डाउट सपोर्ट देता है तो कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो ट्रिकी क्वेश्चन है जहां पर बच्चा परेशान होता है सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो भी आ सकते हैं और जो आपके मटेरियल में दे रखे हैं एवरी क्वेश्चन विल बी मटीरियल्व इन द क्लास बट यस बीइंग अ फास्ट ट्रैक बैच थोड़ी सी लिटिल क्वेश्चन कवरेज विल बी लेस और रेगुलर में इट विल बी मोस्टली कवर्ड इन द क्लास ओनली गॉट इट सर इफ आई टॉक अबाउट द मटीरियल कोई भेदभाव नहीं है सेम मटीरियल मिलेगा रेगुलर और फास्ट ट्रैक वालों को तो सेम मटीरियल नोट्स और क्वेश्चन बैंक प्लस एमसीक्यू बुकलेट भी आपको इसमें मिल जाएगी अब मजे की बात ऑडिट में मोस्टली बच्चों को मन में ये रहता है सर आप जो पढ़ा रहे हो ना मजा तो बड़ा आ रहा है क्या ये चीजें एग्जाम में याद आएंगी क्या हम ये चीजें लिख पाएंगे तो ये चीज मैं आपको क्लास के साथ साथ फील दे दूंगा कि आप एग्जाम में बढ़िया नंबर स्कोर कर पाओगे यू विल गेट द क्लास टेस्ट विद इवेलुएशन सर ये इवेलुएट कौन करेगा बताऊंगा तो खुश हो जाओगे हाँ सर खुश हो जाएंगे आपके ही सीनियर्स आपके ही सीनियर्स जो पहले कुछ टाइम पहले आप ही की तरफ पढ़ रहे थे फिर भगवान की दया से उनकी रैंक आ गई भगवान की दया से उन्होंने ऑडिट में एग्जामेशन स्कोर कर ली यस yes, सर हमने ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम बना रखी है जो आपके लिए पेपर इवेल्युएट करते हैं सो so, ये जो इवेल्युएशन है दिस विल बी वेरी इंडिपेंडेंट क्योंकि देखो आप मेरे से पढ़ रहे हो मैं ही आपका पेपर इवेलुएट करूंगा तो मैं तो थोड़ा बायस रहूंगा ना यार मेरा ही स्टूडेंट है इसको थोड़े अच्छे नंबर देके चलो बट ये लोग बिल्कुल भी बायस नहीं है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम है हमारे साथ उसमें कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट सर ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनकी रैंक आई है जिन्होंने ऑडिट में एक्सामिशन स्कोर करी है वो आपको पेपर आपको इवेलुएट करके देंगे तो जब भी आप अपना पेपर सबमिट करोगे विद इन फोर टू फाइव वर्किंग डेज आपकी मेल पे मेरा मेल आ जाएगा और उसमें लिखा होगा ऑडिट क्लास टेस्ट रिजल्ट तो आपको पता चल जाएगा आपने कैसा स्कोर किया क्या सर ये हमारे बैच में इंक्लूडेड है हाँ बाबा हाँ बैच में इंक्लूडेड है बैच का मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं होता बैच का मतलब होता है एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस जिससे बच्चे को एक बढ़िया वाला कॉन्फिडेंस मिले और मैं बताऊं इन टेस्ट में ना सिर्फ इवैल्यूएशन नहीं मिलेगी एक छोटा सा भी रहेगा। ये जब आप बैच उस सरप्राइज से आपको यह पता चलेगा कि एक की क्या होती है में किस तरह से की एक अच्छा रोल प्ले करते हैं एवरीथिंग यू विल गेट टू नो यू गॉट इट और नॉट यस सर प्लस मेंटरशिप एक्सेस आपके पास साथ हमेशा रहेगी टिल द डेट ऑफ एग्जाम कोई दिक्कत की बात नहीं है टॉकिंग अबाउट द आर्स रेगुलर बच विल बी अराउंड वन फिफ्टी आई टॉक अबाउट टैग, इट विल अराउंड वन ट्वेंटी अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या? आपके मन में डाउट आएगा मैं बता देता हूँ। रेगुलर बच में क्या होता है हम हर क्लास के साथ ना रिविजन करते जाते हैं जैसे आज जो पढ़ा वो अगली क्लास में रिवाइज होगा आज जो पढ़ा फिर वो अगली क्लास में रिवाइज होगा रिविजन क्यूमुलेटिवली चलती रहती है तो इसलिए इसकी थोड़ी कह सकते हो आप बढ़ जाते हैं क्लास तो है की तो अपने आप कम हो जाते हैं ठीक है सर। दूसरी चीज जो फास्ट ट्रैक में मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते रिपीटेटिव नेचर के होते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे लगता है कि यार डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चा आराम से कर लेगा तो फिर जब हम उसको एलिमिनेट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वन ट्वेंटी गॉट इट सर इफ आई टॉक अबाउट द फीस द फीस इज वेरी जनरस आप आराम से इसको एनरोल कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है ये सारी फीस में ये जितनी भी हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं इंक्लूडेड बुक्स एवरीथिंग इज इंक्लूडेड कुछ भी अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है टॉकिंग अबाउट द टेलीग्राम डाउट सपोर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टिल द डेट ऑफ एग्जाम्स वो आपको मिलेगा सारे ही बैचेस में एंड सर मजा आएगा नहीं आएगा लर्न विद फन होगा कि नहीं होगा डेफिनेटली होगा मैं बताऊं ना आपको मुझे नहीं पता अभी तक आपका इंटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा था ऑडिट का बट डेफिनेटली फाइनल में इट विल बी अ फन लर्निंग एक्सपीरियंस पहली क्लास से लास्ट क्लास तक आपका एड्यूटेनमेंट एड्यूटेनमेंट का क्या मतलब है एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट इसका जिम्मा मैं उठा लूंगा इसका जिम्मा मैं उठा लूंगा एंड ट्रस्ट मी काफी मजा आएगा और मैं बताऊं ना चाहे ऑडिट हो चाहे एफ आर हो चाहे ए हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो मैं हमेशा एक ही चीज़ में बिलीव करता हूं सर टेंशन लेके नहीं पढ़ना चाहिए जब भी हम टेंशन लेके पढ़ते हैं ना कभी भी कोई चीज़ दिमाग में नहीं जाती तो खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे इफ यू वॉन्ट टू एनरोल फॉर द बैचेस दीज आर अवेलेबल ऑन बीबी एंड ट्रस्ट मी मजा आ जाएगा मजा आ जाएगा मजा आ जाएगा बस आपने अपना साथ आखिरी दिन तक बनाए रखना है आपने अपना साथ बनाए रखना है एकदम डिसिप्लिन के साथ आपको ज्यादा मेहनत कुछ नहीं करनी रोज की एक क्लास देखनी है। और मैं बताऊं ना क्लास के साथ आपके एकदम प्यारे प्यारे नोट्स बन जाएंगे जब आप ये नोट्स अपने हाथ से बनाओगे ना एकदम बढ़िया वाले क्या करना है एक ब्लैक पेन एक रेड पेन एक ब्लू पेन लेके बैठना है और मैं बताऊं ना सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे अलॉन्ग टेक्निक्स और ये जब चार्ट आप खुद अपने हाथ से बनाओगे ना आपको खुद इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा और जिस सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है उसको उठाने में भी हमेशा मजा आता है और उसमें आप एकदम बेस्ट वाला स्कोर भी करते हो तो इंटर में मुझे नहीं पता आपके क्या स्कोर आए थे बट फाइनल में ऑडिट में तो भाई साहब एग्जामिशन लानी ही लानी है कुछ भी हो जाए सो दैट्स ऑल दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी मैंने अपनी साइड से कर दी है टॉकिंग अबाउट द बुक्स बुक्स के लिए गेम बड़ा सिंपल है अगर आपने बैचेस पहले ले रखे हैं लेट से आपने जो बैच लिया था वो लास्ट ईयर लिया था ठीक है लास्ट ईयर आपने लिया था और आपके पास मान लो सेप्टेम्बर ट्वेंटी थ्री एडिशन रहेगा या फिर आपके पास जून एडिशन आया था एडिशन कैसे पता चलता है मैं बताता हूं बहुत सिंपल तरीका है अगर आपकी जो बुक है ना उसके ऊपर लिखा है फॉर मे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड ऑनवर्ड्स तो अगर मे 2024 ट्वेंटी फोर एंड ऑनवर्ड्स है तो बेटर है आप मे ट्वेंटी ट्वेंटी के एडिशन के साथ जाओ बिकॉज बीच में काफी सारे चेंजेस आए थे अपडेट्स आए थे आए थे तो बेटर है आप नई बुक के साथ जाओ बट अगर आपकी बुक पे लिखा है फॉर ट्वेंटी फोर एंड ऑनवर्ड्स तो ये बुक भी आपकी मे 25 में चल जाएगी कोई दिक्कत की बात नहीं है बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आ रही है सर और जो बच्चे अभी इनरोल करेंगे तो उनको तो लेटेस्ट मे ट्वेंटी वाली ही बुक्स मिलने वाली है जितने भी क्वेश्चन है टिल योर मॉक टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट पेपर जो अभी नवंबर ट्वेंटी के हुए थे एवरी इज अपडेटेड इन योर क्वेश्चन बैंक एंड दैट्स इट मेरे को लगता है सारी चीजें आपकी इसमें कवर हो जाएंगी और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है तो बस जैसे जैसे मैं क्लास में गाइड करता चलूँ उसको फॉलो करते हुए चलना और आपकी नैया पार लग जाएगी सो दैट्स ऑल दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ थैंक यू सो मच या सी यू इन द बैच एंड आई एम श्योर खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और इस बार हम ऑडिट में पक्का एग्जामिशन स्कोर करेंगे ऑल द बेस्ट कीप गोइंग कोई भी आपके मन में छोटा मोटा डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व इट फॉर यू मैं एक काम और कर सकता हूं आपके लिए अगर आपके मन में कोई ऐसे कोई चीज पर्सनलाइज आपको बात करनी है कुछ भी ऐसा रहता है और आपको लगता है आपका वो डाउट अभी रिजोल्व नहीं हो पा रहा तो आप इस पर मेल डाल देना सी ए शुभम केसवानी सी ए शुभम केसवानी एट जी मेल डॉट कॉम ठीक है इस पर आप अपना डाउट मेल डाल सकते हो सी ए शुभम केसवानी एस एच यू बी एच ए एम के ई एस डब्ल्यू एन आई एट द रेट जी मेल डॉट कॉम तो फिर Uh, उसमें अपना कॉन्टैक्ट डिटेल छोड़ देना टीम कनेक्ट करके आपका वो डाउट भी रिजॉल्व कर देगी चलो ऑल द बेस्ट कीप गोइंग लेट्स लर्न विद फन